भाई 100 रुपये ज़्यादा ले ले, 200 रुपये ज़्यादा ले ले, 300 रुपये ज़्यादा ले ले, अरे भाई 500 रुपये ज़्यादा ले ले, लेकिन मुझे लैंडिंग करा दे। दोस्तों ये बात आपने सुनी होगी, हाल ही में इंटरनेट पे एक पैराग्लाइडिंग का वीडियो, जो फनी वीडियो है, वो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों वो वीडियो में कौन है वो बंदा और वो कहाँ से आया है, वो वीडियो वायरल कैसे हुआ, किसने वो वीडियो वायरल किया, वो सब बातें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वो बातें जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज अनिल लहरी एंड यू वॉचिंग थावनेश बाबा। जी हाँ दोस्तों, पैराग्लाइडिंग का फनी वीडियो एक इंटरनेट पे या फिर यू कह के सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों वो वीडियो में जो बंदा है, वो बंदे का नाम विपिन साहू है। जी हाँ दोस्तों, विपिन साहू नाम का ये बंदा है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक बांदर नाम का राज्य है, वहाँ से वो बिलोंग करता है। दोस्तों वो वीडियो में क्या है वो सब मैं बताता हूँ, उससे पहले विपिन साहू के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों विपिन साहू का टाइल्स का बिजनेस है, वो उत्तर प्रदेश में टाइल्स का अपना बिजनेस चलाते हैं, और वो अपने 5 दोस्तों के साथ मनाली घूमने के लिए गए थे। 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक वो अपने 5 दोस्तों के साथ मनाली घूमने के लिए गए थे। दोस्तों मनाली के अंदर कुल्लू में धोबीघाट नाम के पॉइंट पर वो पैराग्लाइडिंग करने वाले थे। दोस्तों जब वो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे तब उसको सब इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अपने पांव ऊंचे रखे, अपने हाथ को जरा सा भी ना हिलाए और कैमरे को पकड़ के ही रखे। वो सब इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी जब वो वहां से कूदे, यानी कि दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि विपिन साहू पैराग्लाइडिंग करने के लिए 12,000 फीट ऊपर से कूदे थे। जी हाँ दोस्तों, 12,000 फीट ऊपर से कूदने के बाद उनको जब स्टार्टिंग में जब वो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, तब उनको अच्छा लगा कि एकदम ही आजू बाजू में कोहरा था वगैरह वगैरह, बहुत ही ऊंचा था। लेकिन जब थोड़े ही, यानी कि 5 से 10 सेकंड के बाद जब वो आगे निकले, तब उनको पता चला कि उनको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। दोस्तों वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि वो बंदा बहुत ही डरा हुआ है। दोस्तों वो वीडियो हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो बंदा वो वीडियो में बहुत ही गाली गलौज दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसको इंटरव्यू में जब पूछा, तब उसने इंटरव्यू में ये बताया कि उसको ये भी नहीं पता था कि वो वीडियो में क्या क्या बोल रहा है। वो फनी वीडियो में विपिन साहू ने बहुत ही अच्छी कॉमेंट्री की है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उसको पता नहीं था कि उसने कॉमेंट्री क्या क्या की है और गालियाँ भी दी है, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही फनी वीडियो था। दोस्तों ये पैराग्लाइडिंग का जो भी वीडियो शूट कर रहा था वो बंदा, उसके पीछे ही उसका राइडर यानी कि उसका ट्रेनर बैठा हुआ था। वो ट्रेनर बार बार उसको बोल रहा था कि अपने पांव ऊंचा ले, अपने पांव ऊंचे ले, लेकिन वो बंदा ऐसे ही रटे जा रहा था कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी लैंडिंग करा दे, भाई मुझे जल्दी से जल्दी लैंडिंग करा दे, सिर्फ यही बात को रटे हुए जा रहा था, क्योंकि उस बंदे को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। दोस्तों ये बात हुई विपिन साहू के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं कि वो वीडियो वायरल कैसे हुआ। दोस्तों विपिन साहू ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो वीडियो जैसे ही उन लोगों ने शूट किया, उसके बाद अपने लैपटॉप में रखा, हालांकि वो 5 दोस्तों के पास वो लैपटॉप में वीडियो अवेलेबल था। विपिन साहू ने ये भी बताया कि हर लोग को हरामी दोस्त मिलते हैं, मुझे भी हरामी दोस्त मिले हैं, लेकिन दोस्त मिलने के साथ साथ मुझे हरामी भाई भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, विपिन साहू के भाई यानी कि सचिन साहू ने ये वीडियो वायरल कर दिया था। ये वीडियो उसने सोशल मीडिया पर या फिर यू कहे कि इंटरनेट पर वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। और आपको तो पता ही है दोस्तों, यूट्यूब पे जैसे ही कोई चीज़ ऐसी होती है जो एकदम ही नई लगे या फिर फनी लगे, एंटरटेनमेंट के लिए लगे, वो चीज़ जल्दी से जल्दी वायरल हो जाती है। दोस्तों इसी तरीके से विपिन साहू का भी वीडियो, जो कि पैराग्लाइडिंग का फनी वीडियो था, बहुत ही तेज़ी से वायरल हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि विपिन साहू ने जो भी यूपी चैनल में इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू में उसने क्या बताया। दोस्तों विपिन साहू को पहले तो पूछा गया कि आप अभी सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है। तो दोस्तों विपिन साहू ने ये कहा कि सभी लोगों का मैसेज आता है कि आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये सब बातें आती है, लेकिन मेरे लिए तो सभी फैन से ज़्यादा मेरे भाई ही है। और दोस्तों उसने एक चौंका देने वाली बात ये बताई कि एक लेडी का विपिन साहू के ऊपर मैसेज आया है कि हम दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत टाइम से झगड़ा चल रहा था, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब से आपका वीडियो देखा है, हमने टीवी पर आपका वीडियो देखा, उसके बाद हम इतने हंसे कि हम दोनों का पैचअप हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बात है कि विपिन साहू ऐसा मान रहा है कि मेरी वजह से एक जोड़े की नई जिंदगी शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी पैराग्लाइडिंग वाले भाई की। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर यू कहे कि ये
फनी वीडियो की कहानी आपको कैसी लगी वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में कुछ नया जानने मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और दोस्तों इसके रिलेटेड आपको मुझे कुछ भी सवाल करने हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।